नमस्कार किसान भाइयों, मैं जितेश पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विजय के में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कि हमारे धान की फसल में जो चूहे होते हैं वो हमारे फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। करें कि वो जो है खाते कम हैं, अगर हमारा जो है वो 10% खाते हैं तो लगभग 90% हमारा नुकसान करते हैं। जबकि चूहों को जो है इस समय कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी आदतों से मजबूर रहते हैं और हमारी फसल को जो है नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसके लिए हम फ्यूराडान फोरेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी जो है उनसे हमें छुटकारा नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो कुछ दिन तक जो है बाहर रहते हैं, फिर जैसे ही उसकी महक कम हो जाती है वो पुनः हमारे खेत में आ जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे तरीकों की बात करेंगे कि किस तरीके से हमें चूहों से छुटकारा पाया जा सकता है, इन जो है कम खर्चे में और ज़्यादा लाभ हमको कैसे प्राप्त होगा, उस विषय पर बात करेंगे। तो उससे पहले आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो बात करें चूहों के बारे में, तो हम लोगों को दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो वह अनाज जो चूहे बहुत ही चाव से खाते हैं, दूसरा हमें जो है यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे थंबनेल पर आप लोगों ने देख रहा होगा कि जो है हम कैसे यूरिया से जो है कैसे चूहों से छुटकारा पा सकेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि एक लगभग 200 या 250 ग्राम जो है कोई भी अनाज, जैसे हम चलो गेहूं ही ले लें, गेहूं ले लेंगे और उसे एक बीकर में डालेंगे, मतलब बर्तन में ले लेंगे हम, और उसमें जो है हम गेहूं को डाल देंगे। उसके बाद हम लगभग 200 ग्राम यूरिया ले लेंगे, यूरिया को भी उसी हम बर्तन में डाल देंगे और उसमें जो है इतना पानी हम मिलाएंगे कि जो है लगभग 24 घंटे में वो पानी अनाज सोख ले। सोख लेने के बाद ज़्यादा पानी नहीं मिलाएंगे क्योंकि फिर सोखने में दिक्कत होगी, तो इतना पानी हम मिलाएंगे अनुमानित में जो कि 24 घंटे में गेहूं का अनाज उसे सोख सके। उसके बाद क्या करेंगे हम, उन दानों को जो है हम बाहर निकाल लेंगे और खेत में जहाँ पर चूहे हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं उस जगह पर हम डाल देंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब इसमें कोई किसी भी प्रकार की गंध नहीं आती है तो चूहे इसे जब खाएंगे तो जब उनके पेट में नाइट्रोजन जाएगा तो उसकी आंतों को ये गलाना स्टार्ट कर देगा, उनका नर्वस सिस्टम भी जो है कमजोर हो जाएगा, धीरे धीरे उनकी आंतें गलना स्टार्ट हो जाएंगी और वे पूर्णतः मर जाएंगे या फिर जो है भाग जाएंगे तथा दूसरों के खेत में जाके मरेंगे, कुछ अपने खेत में भी मरेंगे। तो ये इसमें आप लोगों का कोई भी खर्चा नहीं होने वाला है, मतलब सिर्फ 10-20 रुपए के जो है खर्चे में आप लोग चूहों को आसानी से मार सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।